सुबह को बंदर आ जाते हैं, शाम को गुणी। हमने सिखाना यहाँ पर धुनी। डर लगे एक दिन में वहाँ धो जान में चला गया। कहा है वो भीम ताले नुकुचिया ताले वो किला कहिए किले नानू नानू का था सबून फटो मार मिल मार सब मार दिया ये तार नेवा मैं तो आप नहीं भी हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनु चिलवाल। सो दिन की शुरुआत हो गई है। आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी, क्योंकि राधा के एग्जाम हैं तो हमें हल्द्वानी जाना है। कुछ ब्लॉग मेरे हल्द्वानी के आएंगे तो आप इन पहाड़ों को मिस करोगे, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तो आज का सफ़र हमारा घर से हल्द्वानी तक का है। और जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना और बने रहना हमारे साथ। थैंक यू। दादा क्या कहना चाह रहे हो? हम हल्द्वानी जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? निश्वास। क्या निश्वास, शहर में जाने का गोपन है गया। मेरे को भी निश्वास लगा है। आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी और देखिए आज ही कोहरा लगना था, बादल लगने थे, कल रात बारिश भी नहीं हुई, लग रहा है आज दिन में बारिश होने वाली है। आधा तन तो हो गए तैयार हल्द्वानी को। अभी नहीं हुए तैयार, अभी नहीं हुए मतलब नाना है अभी थोड़ा हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा नाना है, है? अभी रोटी खानी है मुंडू की, अभी रोटी खानी है। ये लोग कह रहे हैं हम परोठ नहीं खाते, हमारे लिए घीमुडू की रोटी बना, फिर गाड़ी में मौसम का हाल खराब हो रखे। ये हाल नहीं, चुहाना हो रहा है, चुहाना हो रहा है, मौसम सुहाना, न गर्मी न ठंडी। अब हमें घर में अकेले रहना पड़ेगा, अब तो बंदर आ जाएंगे, तो सुबह को बंदर आ जाते हैं, शाम को गुणी। हमने सिखाना यहाँ पर धुनी। सुबह को तो बंदर आते हैं, शाम को आते हैं गुणी, रात को आते हैं सुंगर। हमने सिखा बाबू लाते हैं यहाँ प्रयोग, हमने जगाते हैं यहाँ धुनी, तब वो लोग भाग जाएंगे धुआं से, धुआं से भागेंगे वो। इतने बड़े लग हुए, इतने बड़े लग हुए, यहाँ से यहाँ तक बाढ़ हो गई। ये देखो कितनी बाढ़ हो रखी है, जो लगता है उसको टपा खा जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं लग जाता है। वो साला कहते हैं ना लग जाएंगे मैं खाऊंगी, वो ताउ लोगों के तो उतने हो रखे वो। बाप रे, आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू आ गई भाई। हाँ, हमारी ड्यूटी क्या हुई? ये ताउ लोगों का एक आम का पेड़ सूख गया, दो पेड़ हरा है वहाँ पर, वो लगा रखा है उन्होंने, वो झाड़ी, ये झाड़ी हो गई ताउ लोगों की। आज से बाबू का क्या काम हुआ भाई? आज से बाबू का सुबह को ग्वाला जाना है, शाम को यहाँ पर फार्म करनी है। मैंने सुबह को यह झाड़ी की फार्म करनी है, पापा ने शाम को करनी है झाड़ी की फार्म। झाड़ी को आकाश चाहते रहते हैं पापा। लगता कोई नहीं है, लगता कोई नहीं है, लगता बहुत सारा है लेकिन खा जाता है को, लगता कोई नहीं है, थोड़ा लगी बा। अब बानर गुणी खा देने वही हम क्या कर लो, आप दिए गुणी पिछोड़ में गांठ पाड़ देना, मैं मरते लिबे रूम में आग लगा दी, आ भी रहा तो झाड़ी के लागे गुणी तुम लोग रिकॉर्ड पे ले जाए, गुणी पिछोड़ में गांठ पाड़ देना। लंबी है उन्हें पिछोड़ी बहुत है, अरे पागू बहन है यहाँ आज ना पिछोड़ आठ साठ पाड़ दिए तो उनमें रुघोड़ जाले पण गांठ पाड़ दी गुणी भोगा दी नी
ये था मम्मी ने आज बनाया ब्लॉग सुबह सुबह। मम्मी की कॉमेडी सुन ली आपने। भीमताल रुक गए, भीमताल गए नाव में बैठ तो मान में बैठ क्या फटो मानी पन क्या मैं जो बन तारो वो जाय पन तुम नहीं जान जवाब वही मैं डर लगे एक दिन में वहा धो जान में चला भीमताल है नुकुचिया ताल है वो किला कहिए किले नानू नानू का था सब उन फटो मार मिल ल सब मार दिया ये तार ने मैं तो आप नहीं चल गए नहीं वो मणि साई के पत्ते लग गए की भिन्न है बाप बहो कानून लोर करी मैं आई नाखून ले नाखून ले पाठ बन जी गए मैं अमन के पत्ते तुम्हारे तथा पेट में बताओ वो तरनी ला कश्य तरनी का हमन के पास उन जाने भाई रोज जाने भाई उनार भैले तरनी उनार बगाल ले बल्द ले सब तरनी उन तुम्हें बदल मार दी मतलब मार गए मैंने कहा उनका नहीं आई उन बबो कान में चुमड़ दिया ही मैं आज बन जानी ये हो गया बैग तैयार और राधा भी तैयार मम्मी पिठा की प्लेट लेके खड़ी है कदल में छोबिए ठाड़े रहे बाबू बिहार में जा रही कदेल इन जनी हम कदेल में गाँव जा गए पानी बोतल बाटपन ली लियो वाह पहला ठीक छे वही पहला बाय 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 महाजन पूरी आज आपन ध्यान ध्यान ठीक हो गया। ये देखिए मौसम और पहाड़ इतना ठंडा मौसम देखो स्वेटर राधा हाथ में लेके जा रही है मैंने पहन रखा है क्योंकि बाइक में जाएंगे तो ठंडा लगेगा और पहाड़ों में कितने खूबसूरत नज़ारे होते हैं यहाँ छोड़ने का मन ही नहीं करता है हरियाली चारों ओर शुद्ध हवा शुद्ध पानी शुद्ध वातावरण पर क्या करें रोजगार की कमी है लोग जाते हैं और कुछ सुविधाएं यहाँ नहीं हैं बाहर जाना पड़ता है घर से जा रहे हैं अजीब लग रहा है मम्मी लोगों को भी अकेले छोड़ने का मन नहीं करता है विश्वास लग रहा है क्योंकि वो लोग इतने हंसी मजाक से रहते हैं छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो हल्द्वानी का सफर हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है और अभी बच रहे हैं करीब 9 बजने वाले हैं तो हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी आज थोड़े दिन दीदी लोग के वहाँ रहेंगे और फिर वहाँ से चले जाऊँगी मैं अपने मायके तनुज आ जाएंगे घर क्योंकि मायके से मेरा साथ भी है और वहाँ से सही भी रहता है क्योंकि मतलब वहाँ से सब कुछ देखा हुआ ठहरा मैंने वहाँ बहुत नीचे है हमारा घर तो मायके वाला घर मेरा ठीक वहीं से जाऊँगी मैं पेपर देने भी तो बीच बीच में तनुज आते रहेंगे तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए हम लोग की वीडियो। चश्मा वश्मा लगा के पैक पुक हो गए तनुज ये बस हमारा गांव याद आ रही फिर से गांव की डेली यहां से नीचे को चले जाता था मैं रोड में आके पत्थर में हम ले जा रहे हैं नाशपाती और सेब देखो घर के हैं ये पहाड़ी सेब पहाड़ी नाशपाती पहाड़ी आदमी
पहाड़ी आड़ू भी मिलते हैं इनके वहाँ, पहाड़ी आलू भी है, पहाड़ी शिमला मिर्च, पहाड़ी बैगन, सब घर की खेती, सब ऑर्गेनिक खेती। कैसा हो रहा है ये चने और रायता? ये है भीमताल और अभी हम भीमताल पहुंच गए और मौसम देखिए, यहाँ भी बारिश वाला ही हो रखा है। ऊपर ऊपर बादल लगे हुए हैं, नीचे अभी तो बारिश नहीं हो रही पर मौसम बारिश वाला ही हो रहा है, क्योंकि आज बारिश वाला मौसम हो रहा है, वोटिंग बहुत कम हो रही है। कि हाँ राधा, कैसा लग रहा है? तो यहाँ पे रुके हैं हम पट्टा खाने के लिए, काकुनी घोक खाने के लिए। तो हल्द्वानी आते टाइम वाले हैं यहाँ पे, ये है हल्द्वानी वाली रोड, यहाँ से 12 किलोमीटर हल्द्वानी है, 18 किलोमीटर, और भीमताल यहाँ से होगा 15-16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर भीमताल। कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। वो डिग्री हल्द्वानी, वो इधर जाना है हमें, यहाँ से 10 किलोमीटर है। फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। ये देखो यहाँ का मौसम, यहाँ पे तो उतनी बारिश नहीं हो रही है, रास्ते में तो बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी पर यहाँ आके हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं और मौसम साफ है। दिन में थोड़ा बहुत बारिश हुई थी, बोल रहा था भाई अभी फ़ोन में, जिस टाइम मैंने कॉल की थी 2 बजे उस टाइम बारिश लगी थी, अभी नहीं हो रही। और हम आ गए अब घर। ये हेलो प्रियांशु, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, टीवी देख रहे हो? आओ पलक, ठीक छे? ठीक है, हाँ ठीक ठाक छन। और लागना तू कहे बहुत बड़े लागना है घर बोल जी, हाँ खेस आ रो खेर रोबला पर मगर तेरी याद है, मैं आ गई थी, ठीक करो ने, सब यूट्यूब वाले याद नहीं, सब यूट्यूब वाले कला कहते याद करना चाहिए तू पर, सब तुम्हारे याद में आ रियो, बच रे या बच रे या इधर मैं कहूँगा हम हल्दोने आ रही याद में आ गए, ओ सब घर अपना जो जहाँ सब देश बदेश सब बच रे या सब याद में आ प्रियांशु उन लोगों ने भागवत है या भले रो मतलब गर्म जी की रहे गर्म नहीं रहे अच्छा